हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में एसआर फिटनेस में। तो आपके लिए आज एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो होगी हमारे कार्डियो के ऊपर। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि कार्डियो किस टाइम करना चाहिए। कुछ कहते हैं एक्सरसाइज से पहले, कुछ कहते हैं एक्सरसाइज के बाद। तो ये सारे डाउट मैं आज आपका इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस, कार्डियो का एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये मिथ लोगों ने बना रखा है कि एक्सरसाइज से पहले करने से फैट ज्यादा रिड्यूस होता है, एक्सरसाइज के करने के बाद करने से फैट ज्यादा रिड्यूस होता है। तो कार्डियो की बेस्ट टाइम है एम्प्टी स्टमक, राइट? खाली पेट आप अगर कार्डियो करोगे तो आपका फैट ज्यादा बर्न होगा। उसका एक लॉजिक है कि जब हम पूरे दिन की डाइट लेते हैं, जो आपने एक दिन पहले ली, अपने 4 मील 5 मील 3 मील, उसके अंदर जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया वो हमारे मसल और लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया। 400 कैलोरीज जो होता है वो हमारा लीवर स्टोर कर लेता है और 1400-1500 कैलोरीज जो होती है हमारी मसल स्टोर कर लेती है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो आपको एनर्जी में चाहिए। तो जब आपने जो एक दिन पहले जो मील लिए थे वो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गए, जब आप रात को सोए तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म ने कुछ यूज कर लिया उसको, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो आपके पास जो ग्लाइकोजन फॉर्म स्टोर थी लीवर और मसल में वो कम हो गई। 6 घंटे की फास्टिंग करी 7 घंटे की फास्टिंग करी, उसके बाद जब आप कार्डियो करोगे तो कार्डियो का जो सेशन होगा 20 मिनट का 25 मिनट का, उसके अंदर आपका ग्लाइकोजन जो बची एनर्जी वो खत्म हो गई। तो आपका जो स्टोरेज था एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स जो था कार्बोहाइड्रेट, वो बिल्कुल जीरो हो गया। अब जब आप उसको जीरो करने के बाद और ट्रेडमिल कंटिन्यू चलाओगे या रनिंग करोगे तो आपको एनर्जी देगा फैट। तो फैट जब आपको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा तो आपका क्या रिड्यूस हुआ? फैट। तो एडिप्यूस टिश्यूज रिलीज करेंगे आपके ब्लड स्ट्रीम में फैट को, तो फैट ब्रेक डाउन होता रहेगा और एनर्जी की जगह यूज होता रहेगा। और हमारा लीवर जो जिस लीवर हमारा एक फंक्शन चालू कर देगा, केटोजेनेसिस। केटोजेनेसिस क्या होता है गाइस? जो हम केटो डाइट करते हैं, फैट ज्यादा इंटेक करके अपना फैट रिड्यूस करते हैं, तो वो हमारे लीवर का प्रोसेस होता है। तो लीवर हमारा केटोजेनेसिस प्रोसेस चालू कर देता है, एडिप्यूस टिश्यूज में से हमारा फैट रिड्यूस होना चालू हो जाता है और वो एनर्जी देता है और हम उसको यहां पर ब्लड स्ट्रीम में बर्न करना चालू कर देते हैं फैट को। तो बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से और साइंस के हिसाब से आपको करने का कार्डियो एम्प्टी स्टमक है। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि बेस्ट टाइम जिनको फैट रिड्यूस करना है उनके लिए बेस्ट टाइम है। बाकी गाइस सबके अलग अलग ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो मैंने आपको साइंटिफिक बता दिया कि आप अगर फैट रिड्यूस तरफ जा रहे हो तो आपके लिए एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना सबसे बेस्ट टाइम है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करो और हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसआर फिटनेस।